ये भी कौन जारी करता है? आईएमएफ। देखो मैंने इसका ट्रिक बनाया, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक जो से आपको याद हो जाएगा। मैंने दो क्वेश्चंस बोला, एक बोला मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ, और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ। इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक देखो क्या बनाया, अगर मैं इसको बोल दूं आई एम स्टेबल इन आउट हाउस, आई एम स्टेबल इन आउट हाउस, और आउट हाउस का नाम मैंने रख दिया आईएमएफ। मतलब मैं कहाँ कह रहा हूँ, आउट हाउस में घर के बाहर एक आउट हाउस रखते हैं ना, तो अब देखो आई एम स्टेबल, स्टेबल से स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आउट से आउटलुक रिपोर्ट, और कहाँ पे आईएमएफ। मतलब दोनों रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, और ये बोथ कौन सी, ये जो वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया अरुण जेटली ने। अब सवाल ये है कि सर बजट पेश होने से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे होती है ये कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री करता है? इतना तो तुम जानते हो कि बजट जो है फाइनेंस का पार्ट है, इतना तो तुम लोगों को पता होगा। तो निश्चित है बेटा कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा क्या कराया जाता है बेटा, इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे कितने वॉल्यूम में होता है? पहले कितने वॉल्यूम में होता था, कब से ये होने लगा दो वॉल्यूम में, और इस कॉन्सेप्ट को कहां से लाया गया, किसने लाया, और अगर